हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 14 दिसंबर 2018 की प्रीलिम्स अर्बिटर सीरीज में आपका स्वागत है। चलते हैं आज की न्यूज डिस्कशन की तरफ। आज का जो पहला आर्टिकल आया है वह है सौभाग्य स्कीम के बारे में। तो देखो, कंटेक्स्ट यह है कि सौभाग्य स्कीम में वो देश के नो और स्टेट में सक्सेसफुल इम्प्लीमेंट कर दी गई है। या हम बोले कि वहाँ पे नो और स्टेट ऐसे हैं कि जहाँ पे सौभाग्य स्कीम के तहत 100% इलेक्ट्रिफिकेशन का काम कंप्लीट हो गए हैं। तो अभी हमारे देश में जो टोटल स्टेट हो गए हैं, संख्या 116 है उनकी, जहाँ पे टोटल तरीके से जो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन का काम कंप्लीट हो गए हैं। तो इस पर वैसे तो कोई क्वेश्चन बनता नहीं है, क्योंकि जब तक एग्जाम होंगे तब तक और भी चेंज हो जाएंगे। तो ये कोई कंटेक्स्ट कुछ हमारे लिए दमदार नहीं है। हम देखते हैं यहाँ पे सौभाग्य स्कीम। सौभाग्य स्कीम का मतलब है, देखो यहाँ पे प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना। तो बेसिकली इसको सितंबर 2017 में लॉन्च किया गया था। और इससे इम्पोर्टेंट फैक्ट बात क्या है, इस स्कीम का मेन मोटो क्या है? देखो, इस स्कीम का मेन मोटो ये है कि हमारे देश में फ्री इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, ध्यान रखना फ्री इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन की बात की गई यहाँ पे, कि लोगों को फ्री में इलेक्ट्रिसिटी या बिजली के कनेक्शन है वो प्रोवाइड करवाए जाएं, बोथ APL और पुअर फैमिलीज। अब इसमें इम्पोर्टेंट बात क्या है कि रूरल एरिया में भी यह स्कीम इम्प्लीमेंट की जाएगी, इसके साथ अर्बन एरिया में, मतलब शहरी और ग्रामीण दोनों एरिया में वो लोग जहाँ पे इलेक्ट्रिफिकेशन का काम कंप्लीट नहीं हुआ है, उनको कनेक्शन नहीं मिला है उन घरों को, उनको लाइट के कनेक्शन दिए जाएंगे। यहाँ पे स्टार्टिंग में 500 रुपये ले जाएंगे उन घरों से, और फिर जो 500 रुपये हैं वो हर महीने उनको 50-50 रुपये वापस रिटर्न है वो बिल में माइनस कर दिए जाएंगे। इससे के साथ ही आपको बता दूं कि सौभाग्य स्कीम है, इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, वो किया जा रहा है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन के द्वारा। तो यह चीज़ ध्यान रखना है कि रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन है वो इसकी नोडल एजेंसी है और वो इसको इम्प्लीमेंट है, वो कर रही है। तो ये फैक्ट यहाँ पे इम्पोर्टेंट और हो जाता है। इसके साथ ही सौभाग्य स्कीम का मेन, हम एक तरीके से ऑल ओवर बोलें तो इसका मेन मोटो यही है कि यूनिवर्सल हाउस होल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन, मतलब हमारे देश में सभी घरों में इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन है वो हो जाए, इसके लिए बेसिकली काम है वो कर रही है। इसी के साथ लास्ट माइल कनेक्टिविटी और इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन। अब देखो, हम बात करें कि हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटी है और लोग काफ़ी दूर दराज के एरिया में रहते हैं, तो वहाँ पे आपको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन करवाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो काफ़ी जो ऐसे दुर्लभ एरियाज हैं, या हम बोले कि जहाँ पे एक तरीके से बिजली के जो पोल वगैरह हैं वो लगाना काफ़ी मुश्किल है, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन वगैरह, तो उन एरियाज में क्या होगा, उन एरियाज में बेसिकली हम बात करें तो सोलर फोटोवोल्टिक सेल हैं, उनकी हेल्प से वहाँ पे लाइट है वो प्रोवाइड करवाई जाएगी, मतलब उन घरों में सोलर फोटोवोल्टिक सेल वो दिए जाएंगे, उनको उनको सब्सिडी दी जाएगी ताकि वो लोग इलेक्ट्रिसिटी को एक जनरेट है वहाँ पे कर सकें और अपनी इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम कर सकें। तो रिमोट और जो एरिया इनसेसिबल है, मतलब जहाँ पे एक्सेस नहीं हो सकती, जो एरिया पे एक्सेस नहीं हो कर सकती गवर्नमेंट, उन एरिया में बेसिकली जो फोटोवोल्टिक सेल है उनकी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस है वो की जाएगी। इसके साथ ही वहाँ पे कॉस्ट एफिशिएंसी की तरफ भी फोकस किया जाएगा। जैसे आप ये मानो कि कोई दूर दराज का ऐसा गांव है 50-60 किलोमीटर दूर, वहाँ पे काफ़ी 10-15 घर हैं, 50-60 घर हैं, तो उन एरियाज में अगर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवानी है तो गवर्नमेंट वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन लाइन की बजाय उनको सोलर फोटोवोल्टिक सेल हेल्प है वो देगी। इसी के साथ ही जैसा आपको पता है कि जो पावर प्रोड्यूस करने वाली कंपनीज हैं वो खुद तो ऐसा है नहीं कि घर घर जाकर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करती हैं, तो वो क्या करती हैं, बीच में डिस्कॉम की हेल्प से लाइट को डिस्ट्रीब्यूट है वो करती हैं। तो यहाँ पे जो प्राइवेट सेक्टर के डिस्कॉम हो गए हैं और जो गवर्नमेंट के डिस्कॉम हैं वो सब मिलके क्या करेंगे, इस दिशा में काम करेंगे और गवर्नमेंट उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस देगी कि भाई आप इलेक्ट्रिसिटी के कनेक्शन प्रोवाइड करवा रहे हो तो हम आपको पैसा दे रहे हैं। तो यह ध्यान रखनी है। इससे पहले देखो, जो स्कीम थी हमारे देश में इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए वो थी दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, बट इसको मॉडिफाइड किया गया और इसको नए तरीके से लॉन्च किया गया, वो किया गया था सौभाग्य स्कीम के तहत। तो UPSC पूछ सकती है कि दीनदयाल उपाध्याय के बाद स्कीम जो उसको चेंज कौन सी स्कीम में किया गया था, या फिर हमें पूछ सकते हैं कि सौभाग्य स्कीम है उससे जो पुरानी स्कीम थी वो कौन सी थी, तो हमें पता होना चाहिए। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट फैक्ट ये आता है कि भाई गवर्नमेंट को पता कैसे चलेगा कि कौन लोग गरीब हैं और कनेक्शन किस आधार पर दिए जाएं। तो उसके लिए क्राइटेरिया रखा गया है कि 2011 में हमारे देश में सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस हुआ था, मतलब जातीय जनगणना हुई थी, जिसका डाटा वैसे तो पब्लिकली लॉन्च नहीं किया गया है, बट गवर्नमेंट उस डाटा का यूज है वो सब्सिडी वगैरह या फिर जो बेनिफिट है वो प्रोवाइड करवाने के लिए करती है, और उसी की हेल्प से बेसिकली जिन लोगों को बेनिफिट दिया जाना है उनको गवर्नमेंट आइडेंटिफाई करने वाली है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है हमारा वो है फेम इंडिया स्कीम को लेके। देखो, फेम इंडिया स्कीम है क्या, हम इसके बारे में जान लेते हैं पहले अच्छे से, तब हमें इसके बारे में जो फैक्ट है वो देखेंगे आगे क्या है। एक सेकेंड, देखो मैं आपको बता दूं कि हमारे देश में एक गवर्नमेंट का मिशन आया था जिसका नाम है नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन, मोबिलिटी प्लान सॉरी। तो नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान था, इसी के तहत हमारे देश में फेम स्कीम लॉन्च की गई थी। तो एक तो ये फैक्ट हमें पता होना चाहिए।
अब हम देखते हैं फेम स्कीम। फेम स्कीम का फुल फॉर्म यहाँ पे हुआ है फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल इन इंडिया। ये स्कीम वैसे 2015 में 1 अप्रैल 2015 में लॉन्च की गई थी, मतलब हम कह सकते हैं कि 2015-16 का जो बजट था उसमें इस स्कीम का प्रावधान किया गया था और उसके बाद इसको लॉन्च किया गया था 1 अप्रैल से। यहाँ पे एक वर्ड है कि हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक व्हीकल। देखो हाइब्रिड व्हीकल वो होते हैं जिनमें ड्यूएबल फ्यूल या एक से ज्यादा तरह का फ्यूल यूज किया जाता है, जैसे कि वो इंजन गाड़ियां जो कि एक तरीके से इलेक्ट्रिसिटी भी चलती हो या फिर पेट्रोल और डीजल से भी चल रही हो साथ साथ में, तो वो होती है हाइब्रिड व्हीकल। जैसे कि आपको पता है कि कुछ गाड़ियां वो सीएनजी से भी चलती हैं, पेट्रोल से चलती हैं, तो वो भी एक तरीके से हाइब्रिड व्हीकल में काउंट होता है। और इलेक्ट्रिक व्हीकल वो होते हैं जो कि बिजली से चलते हैं। तो इसका ये जो फेम इंडिया स्कीम थी इसका मेन मोटिव था कि हमारे देश में हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं उनको एडोप्ट किया जाए, उनको प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट जो कंपनीज हैं जो कि ऑटोमोबाइल कंपनीज हैं उनको प्रमोट करेगी, उनको पैसे वगैरह उनको जो भी हेल्प है एक तरीके से वो गवर्नमेंट करवाएगी। 1 अप्रैल 2015 को स्कीम है वो आई थी। इसका काम क्या है, फेम इंडिया स्कीम का काम यह है कि हमारे देश में इलेक्ट्रिक और जो हाइब्रिड व्हीकल टेक्नोलॉजी है ना उसको मैन्युफैक्चरिंग करना और प्रमोट करना। देखो आपको पता है कि अगर हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज करना है इसका मतलब पहले कंपनियां इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाएंगी, मार्केट में लॉन्च करेंगी, तभी तो कस्टमर यूज कर पाएगा। तो गवर्नमेंट ने पहली स्टेज में क्या किया है, फेम स्कीम बेसिकली दो पार्टों में लॉन्च की गई है। तो इसका जो फेज वन है उसमें मेन मोटिव ये रखा गया है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने के लिए जो कंपनीज है ना उनको प्रमोट किया जाए, उनको टेक्नोलॉजी है उसके अंदर फोकस करवाया जाए, उनको जिस भी तरह की मतलब हेल्प चाहिए वो हेल्प प्रोवाइड करवाया जाए ताकि वो मार्केट में इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड व्हीकल लेके आए। और फेम इंडिया स्कीम का जो सेकेंड पार्ट है इसमें क्या होगा, सेकेंड पार्ट में बेसिकली होगा कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उनको पब्लिक ट्रांसपोर्ट में यूज किया जा सके, मतलब व्हीकल तो बन गए हैं अब उनको रियल लाइफ में इंप्लीमेंट करना है, उन्हें रियल लाइफ में यूज करना है ताकि क्लाइमेट चेंज से भी हम निपट सकेंगे और हमारे देश की जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की कैपेसिटी है उसको भी हम डेवलप कर सकेंगे। इसी के साथ ही सेकेंड फेज में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं इनको एडोप्ट करने के लिए गवर्नमेंट तरह तरह की पॉलिसी लेके आएगी और जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की डिमांड को इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट प्लान भी लेके आएगी। एक चीज़ ये ध्यान रखनी है कि इसी स्कीम के तहत गवर्नमेंट ने 100% FDI है वो ऑटोमेटिक रूट से अलाउ की है कि हमारे देश में इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड व्हीकल टेक्नोलॉजी को लाने के लिए या फिर फेम इंडिया स्कीम के लिए कोई भी कंपनी बाहर की है वो 100% FDI के थ्रू इंडिया में इन्वेस्ट कर सकती है। इसी के साथ ही जैसे मैं आपको बताऊं, मैंने आपको बताया भी था सॉरी कि नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान है उसके तहत ही फेम स्कीम को लॉन्च किया गया था, जिसका मैंने आपको बताया कि मेन मोटो स्कीम का यही है कि हमारे देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनको सब्सिडी के तहत प्रमोट किया जा सके और उसके बाद में इलेक्ट्रिक व्हीकल को रियल लाइफ में रखा जा सके ताकि जो पेट्रोल वगैरह पर निर्भरता है हमारी वो कम हो सके। अब देखो जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है इनमें 2-व्हीलर भी बनाए जाएंगे, 3-व्हीलर भी बनाए जाएंगे, इसके साथ जो कार वगैरह हाइब्रिड कार वो भी डेवलप की जाएंगी, इलेक्ट्रिक बसें हैं उनको भी डेवलप किया जाएगा। बेसिकली फेम स्कीम के 4 पिलर हैं, ये 4 डायरेक्शन में काम करने वाली है। पहला पिलर तो है इसका टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, मतलब टेक्नोलॉजी को रिसर्च एंड डेवलपमेंट को फोकस किया जाएगा। इसके बाद में मार्केट में डिमांड क्रिएट किया जाएगी ताकि इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट में बिक सकें। तीसरा काम क्या होगा कि पायलट बेसिस पे प्रोजेक्ट लाए जाएंगे ताकि हम इनफ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो क्रिएट कर सकें और इनफ गाड़ियां मार्केट में ला सकें। और चौथा क्या है, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। अब देखो इलेक्ट्रिक व्हीकल आप तो लेके तो आ गए बट अगर उनको चार्जिंग करने के लिए जिस तरह के पेट्रोल पंप होते हैं उसी तरीके से चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा तो फिर क्या मतलब, तो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को भी डेवलप है बूस्ट है वो करना होगा। तो ये इसके 4 पिलर भी हमें थोड़े पता होना चाहिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है इंडिया का फर्स्ट जीन मोनेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के बारे में। तो देखो पहले हम जानते हैं कि जीन मोनेट है कौन थे, ये थे कौन बेसिकली, जीन मोनेट है वो बेसिकली फ्रांस के पॉलिटिशियन है, इकोनॉमिक्स थे और डिप्लोमेट थे, सॉरी अभी रिसेंटली जिंदा है वो नहीं है। तो बेसिकली जीन मोनेट को बारे में सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है वो इनका यही है कि इनको जो यूरोपियन यूनियन है उनका फादर कहा जाता है, मतलब द फादर ऑफ यूरोप या फिर द फादर ऑफ यूरोपियन यूनियन के नाम से इनको जाना जाता है। क्यों, क्योंकि इन्होंने यूरोपियन यूनियन को बनाने में इनका काफ़ी बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन था और उन्होंने पूरे यूरोप को एक है यूनिटी के धागे में पिरोया था, तो इसलिए जीन मोनेट का नाम है वो यूरोप में काफ़ी पॉपुलर है। कंटेक्स्ट अभी आया है कि यूरोपियन जो यूनियन है उसके द्वारा भारत में पहला जीन मोनेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है वो बेसिकली स्थापित किया गया है, मणिपाल अकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन। तो यह चीज़ हमें ध्यान में रखनी है किसके द्वारा डेवलप किया गया है, यूरोपियन यूनियन के द्वारा। यूरोपियन यूनियन में एक डिपार्टमेंट ऑफ यूरोपियन स्टडी है उसके द्वारा बेसिकली इसका उद्घाटन किया गया है। अब इसमें होगा क्या वो देखते हैं। देखो इसमें बेसिकली हमारे देश में जो कल्चर है वो
साहित्य हुआ, लिटरेचर हुआ, एजुकेशन हुई, और हमारी सोसाइटी के बीच में और जो यूरोप की सोसाइटी के बीच में जो भी डिफरेंसेस हैं, या आप बोलते हो कि आपस में कम्युनिकेटेड करवाने का, सिंक करवाने का, मतलब इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में साहित्य, एजुकेशन और संस्कृति के मामले में एक्सचेंज करने के लिए, रिसर्च करने के लिए और ज़्यादा स्टडी की जा सके, इसके लिए अभी ये सेंटर बनाया गया है। और इसमें स्टार्टिंग में 1,00,000 यूरो का एक तरीके से कॉन्ट्रीब्यूशन है, अनुदान है, ग्रांट है, वो प्रोवाइड की गई है इनके द्वारा। तो यह ध्यान में रखना है कि यह क्या चीज़ है, यूपीएससी पूछ सकती है। बेसिकली एक तो ये फैक्ट कि जो द फादर ऑफ यूरोपियन यूनियन कौन थे, या फिर द फादर ऑफ यूरोप के नाम से, तो हमें पता होना चाहिए कि जीन मोंट, जो कि बेसिकली फ्रेंच पॉलिटिशियन, इकोनॉमिस्ट और डिप्लोमेट थे, उनकी बेसिकली बात यहाँ पे की गई है। नेक्स्ट जो आर्टिकल हुआ है, वर्ल्ड का पहला फ्लोटिंग न्यूक्लियर प्लांट। देखो, रशिया ने वर्ल्ड का पहला फ्लोटिंग न्यूक्लियर प्लांट है वो बनाया है। अब आपके दिमाग में यह होगा कि भाई फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट काम क्या करेगा। देखो, बेसिकली आपको पता है कि रशिया की लोकेशन काफ़ी डिफिकल्ट हो जाती है, क्योंकि उसके नॉर्थ में आपको पता है कि हमारा नदर एमस्पियर वाला या नॉर्थ पोल का हिस्सा आता है, तो वहाँ पे काफ़ी भारी मात्रा में टेरेन डिफिकल्ट है। तो काफ़ी ऐसे एरियाज हैं रशिया में जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई है वो ढंग से नहीं हो पाती है, या फिर कुछ दूर दराज के ऐसे डिफिकल्ट टेरेन वाले एरिया जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है, तो उन एरियाज में बेसिकली इन छोटे जो न्यूक्लियर प्लांट है, फ्लोटिंग न्यूक्लियर प्लांट, इनकी हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी है वो प्रोवाइड करवाई जाएगी, मतलब ये फ्लोट करते रहेंगे शिप में। तो कुछ इस तरीके का यह है। तो यह ध्यान रखना है कि रशिया की एक अकादमिक लोमोनोसोव है, उसके द्वारा वर्ल्ड का पहला फ्लोटिंग न्यूक्लियर प्लांट है वो डेवलप किया गया है। तो यह इफेक्ट बन जाता है इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है यूएन क्लाइमेट एक्शन अवार्ड। देखो, कंटेक्स्ट यह है कि इंडिया की एक प्राइवेट प्रोजेक्ट है इंडिया का, जिसका नाम है हेल्प अस ग्रीन। ये हेल्प अस ग्रीन जो प्रोजेक्ट है ना, इसको अभी यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट एक्शन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बेसिकली वर्ल्ड की 15 कंट्रीज को आइडेंटिफाई किया गया था, 15 प्रोजेक्ट को, सॉरी, उन 15 प्रोजेक्ट में एक हमारे प्रोजेक्ट को भी अवार्ड है वो दिया गया है। अब क्यों दिया गया है ये अवार्ड? ये अवार्ड इसलिए दिया गया है कि जो हेल्प एस ग्रीन प्रोजेक्ट है, ये हमारे देश में या फिर ऑल ओवर वर्ल्ड में बेसिकली क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है इनसे निपटने के लिए काफ़ी अच्छा काम है वो कर रहा है। 14 और भी प्रोजेक्ट हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में जिनको भी ये सम्मान दिया गया है। अवार्ड का बेसिकली पूरा नाम है वो है यूनाइटेड नेशन मॉनिटरिंग ऑफ चेंज। तो ये ध्यान में हमें रखनी है कि मोमेंटम फॉर चेंज जो अवार्ड है, या फिर यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट एक्शन अवार्ड है, वो किसको दिया गया है अभी इंडिया में रिसेंटली। ये बेसिकली उस प्रोजेक्ट को दिया जाता है जिसके आइडियाज़ या फिर उसके जो भी इनोवेशन की नई तकनीक है, या फिर क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए वो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, उनको बेसिकली इस अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि हेल्प एस ग्रीन प्रोजेक्ट है वो इंडिया में क्या काम कर रहा है। देखो, हेल्प एस ग्रीन प्रोजेक्ट है वो इंडिया में जो मंदिर, जो मैचिस होती हैं, उनमें जो फूल चढ़ाए जाते हैं भगवान को या फिर भगवान गॉड को, तो उनकी बेसिकली जो एक्स्ट्रा या वेस्ट हो जाते हैं फूल, मतलब उनको बाहर फेंका जाता है, नदी नालों में बहा दिया जाता है, उनको बेसिकली कलेक्ट करते हैं और फिर उनको रिसाइकिल करते हैं। रिसाइकिल कैसे? जैसे कि उनकी ऑर्गेनिक खाद, फर्टिलाइजर वो बना दिए जाते हैं, या फिर उनको बायोडिग्रेडेबल पैकिंग मटेरियल उनका बनाया जाता है, या फिर उनके सुगंधित जो गुलाल वगैरह है, कलर वगैरह है, वो बनाए जाते हैं। तो ऐसे कामों में जो वेस्ट फूल होते हैं उनका यूज किया जाता है। देखो, आपको पता है कि गंगा रिवर भी सबसे ज़्यादा प्रदूषित होती है, उसका अहम रीज़न यही है कि उसमें भारी मात्रा में जो फूल वगैरह हैं श्रद्धालुओं के द्वारा अर्पित किए जाते हैं, उसकी वजह से पॉल्यूशन बढ़ जाता है। और आपको पता है कि जो फूल वगैरह हैं उनमें काफ़ी खतरनाक केमिकल लगे हुए होते हैं, क्योंकि जो केमिकल पेस्टिसाइड होते हैं उनकी हेल्प से उनको तैयार किया जाता है ताकि उनकी जो सेल्फ है वो बढ़ जा सके। तो उससे काफ़ी कुछ नुकसान होता है और हमारा एनवायरनमेंट भी पोल्यूटेड हो जाता है। और इसी दिशा में क्या ये जो हेल्प एस ग्रीन प्रोजेक्ट है, ये क्या करता है कि जो फूल वगैरह होते हैं वेस्ट, उनको बेसिकली टेम्पल वेस्ट हम बोल सकते हैं एक तरीके से, उनको कलेक्ट करके और फिर उनका सही ढंग से यूटिलाइजेशन है वो रिसाइकल है वो करते हैं। इसके साथ ही वुमेन को रोजगार देना, एम्पावरमेंट का भी इसके द्वारा काम किया जा रहा है। देखो, थोड़ा डाटा भी दिया गया है कि जो हेल्प एस ग्रीन प्रोजेक्ट है इसके द्वारा हम बात करें लगभग, तो अभी तक 11,060 मेट्रिक टन जो टेम्पल वेस्ट है उसको कलेक्ट किया गया है अभी तक और उसको रिसाइकिल किया गया है। इसी के साथ इसने लगभग 110 मेट्रिक टन केमिकल पेस्टिसाइड हैं उनको नदी से, एक तरीके से नदी में जाने से रोका है, मतलब उनको फूल वगैरह को उन्होंने साइड में निकाल लिया है और फिर उनका यूज है वो सही ढंग से किया है। तो इनके द्वारा काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है और उसके लिए इनको सम्मानित किया गया है। अब हम बात करें कि यहाँ पे मोमेंटम फॉर चेंज जो इनिशिएटिव है, ये बेसिकली स्टार्ट किया गया था यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज सेक्रेटेरिएट के द्वारा। 6 दिसंबर 2011 को यूएनएफसीसीसी सेक्रेटरी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था, इस इनिशिएटिव को।
हम सीधी सी असेंबली लैंग्वेज में बात करें कि जो मोमेंटम फॉर चेंज इनिशिएटिव का काम क्या करता है। इसका काम यह है कि जो इनोवेटिव और ट्रांसफॉर्मेटिव सॉल्यूशन फॉर क्लाइमेट चेंज, मतलब जो भी पर्सन या जो भी ऑर्गेनाइजेशन या जो भी प्रोजेक्ट है जो कि इन्वायरमेंट से निपटने की, क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए कोई इनोवेटिव सॉल्यूशन लेके आ रहा है या फिर ट्रांसफॉर्मेटिव सॉल्यूशन लेके आ रहा है, उसको बेसिकली इस अवार्ड से नवाजा जाता है। ये थी देखो बेसिकली आज की हमारी डिस्कशन। अब है आपके लिए दो क्वेश्चन होमवर्क के तौर पे। पहला क्वेश्चन है जिसमें आपको स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको बताना कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट यह है कि ओसिरिस-रेक्स इज नासाज फर्स्ट एस्टेरॉयड सैंपल मिशन। सेकेंड स्टेटमेंट यह है कि इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट नॉन एस्टेरॉयड विच इज कंसिडर्ड एज रिमेंड फॉर अर्ली इन फॉर्मेशन ऑफ सोलर सिस्टम एंड ऑर्बिट क्लोज टू द अर्थ पाथ अराउंड सन। इसके बारे में हमने कल ही डिस्कस किया था ओसिरिस-रेक्स मिशन के बारे में। आपको ये बताना है कि दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है बेसिकली पार्टनर्स फॉर्म 2018 के बारे में। क्वेश्चन ये है कि पार्टनर्स फॉर्म 2018 है वो किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था। पहला ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, दूसरा है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, तीसरा है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, चौथा है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। तो देखो मैं बेसिकली आपको बता दूं, जो पार्टनर्स फॉर्म 2018 है वो बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा ऑर्गेनाइज है वो किया गया था। और ये इसका जो सेक्रेटेरिएट है वो बताइए आप कि पार्टनर्स फॉर्म 2018 का जो सेक्रेटेरिएट है वो कहाँ पे है, इसके बारे में आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये थी आज की हमारी डिस्कशन। फिलहाल इतना ही है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।